देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। ममता ने की पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात, क्या मायने निकलते हैं इस मुलाकात के? ऐसा तो नहीं कि सीबीआई तलाश रही है पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को, और सीबीआई की यह तलाश ममता बनर्जी को मजबूर कर दी पीएम मोदी और अमित शाह से मिलने के लिए। हालांकि ममता बनर्जी की माने तो उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक गलियारों में इन मुलाकातों के अनेकों ने कयास लगाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुखर आलोचक रही बनर्जी के रुख में नरमी आ चुकी है। बीजेपी के महासचिव और पार्टी के पश्चिम बंगाल मामलों के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विटर पर कहा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और इसी ट्वीट के साथ उन्होंने मोदी और शाह के साथ बनर्जी की मुलाकात की दो तस्वीरें भी पोस्ट की और लिखा कि मोदी और शाह से बनर्जी की मुलाकात को क्या इस अर्थ में लिया जाए। कुछ दिन पहले विजयवर्गीय ने कहा था कि बनर्जी की मोदी से मुलाकात कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को बचाने की आखिरी कोशिश है। आपको बता दें कि बनर्जी की दिल्ली यात्रा ऐसे वक्त पर हुई है जब सीबीआई शारदा चीट फंड घोटाले के सिलसिले में राजीव कुमार की तलाश में जुटी हुई है। कुमार बनर्जी के करीबी माने जाते हैं राजीव कुमार। हालांकि आपको बता दें कि कुछ समय पहले ममता बनर्जी मोदी सरकार द्वारा कई मामलों पर बुलाए जाने के बावजूद भी उनसे मिलने से इनकार कर चुकी थी, पर आज अचानक इस तरह से जाकर मोदी और शाह से मुलाकात करना कहीं राजीव कुमार को बचाने की आखिरी कोशिश तो नहीं? देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।